पश्चिम बंगाल के करीबन 860 मजदूर जो है जेपी इंफ्रा की जो कंस्ट्रक्शन साइड है उनके यहाँ काम कर रहे हैं। उनमें से किसी ने एक छोटा सा वीडियो और एक मैसेज वायरल कर दिया। वो पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के गठन नेता है उनको ध्यान में बात वो आई, उन्होंने उनकी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी उनके कान में बात डाली। ममता दीदी ने हमारे जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी है उनको ये बात बताई कि ऐसी ऐसी परिस्थिति मीरा रोड में हो रही है। साथ ही में उन्होंने हमारे जो विनायक राउत है लोकसभा के गठन नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको ये बात बताने के बाद तुरंत उन्होंने वहीं से मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति वहाँ पर चल रहा है, आप जाके तुरंत देख लो। उस दिन रात का खाना तो हमने हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया मगर तुरंत दूसरे दिन वो जो वहाँ के वर्कर थे वो वर्कर लोगों को राज्य शासन के माध्यम से गवर्नमेंट हमारे जिलाधिकारी थाने के माध्यम से हमने खाना उनको दे दिया। साथ ही बिल्डर को बुला लिया और बिल्डर को कहा कि खाना तो वो अभी गवर्नमेंट दे रही है मगर जिन लोगों को अभी तक खाना नहीं मिला उन लोगों को दोनों टाइम पे खाना चाय पानी का बंदोबस्त आपको करना होगा जब तक वो लोग काम नहीं कर रहे। तो उनका पगार भी बाकी था 3 महीने का तो पगार भी हमने देने को बोला है। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भले पश्चिम बंगाल के लोग हमारे पास काम करते हैं शायद महाराष्ट्र के लोग भी पश्चिम बंगाल में अगर कहीं पे हो गए तो उनको भी ये सुविधा उन गवर्नमेंट के माध्यम से मिलनी चाहिए, वो लोक प्रतिनिधि के माध्यम से मिलनी चाहिए, हमारा ये कहना है। तो दोस्तों ये जो है ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी दूसरे स्टेट के लोग भी किसी स्टेट में रहते हैं जैसे महाराष्ट्र में बंगाल के लोग थे और जैसे ही यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज होता है कि इन लोग परेशान हैं, इन लोगों को खाने पीने की तकलीफ़ है तो शिवसेना के ऊपर से लेके नीचे तक के नेता पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं।